सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि समाज सेवा के लिए संस्थाओं के साथ साथ प्रत्येक नागरिक को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जो संस्थाएं आपदा के समय लोगों की मदद करती है उससे बड़ी पुण्य का काम नहीं होता, इसलिए आपदा के समय सभी को आम नागरिकों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज सोमवार को देर शाम परमार्क होटल में शहर की समाज सेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से बाढ़ के समय सराहनीय कार्य करने पर राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने विधायक सुभाष सुधा, अधिकारियों व विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर अन्य प्राणी पेट की भूख शांत करने के लिए परस्पर युद्ध करते रहते हैं और उन्हें एक दूसरे के दुखों की कतई चिंता नहीं होती, परंतु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समूह में परस्पर मिलजुल कर रहता है और समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए किसी भी पीड़ित व्यक्ति की निस्वार्थ भावना से सहायता करना ही समाज सेवा है। इसलिए आपदाओं के समय हमें आगे आकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में बरसात का पानी आने के समय इस शहर के नागरिकों, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं, प्रशासनिक अधिकारियों ने निस्वार्थ भाव से इस कार्य में अपना योगदान दिया है, वह सराहनीय कार्य है। इससे समाज में भाईचारा बढ़ता है और लोगों में आपसी मेल जोल को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए सभी को समाज के हित में अपना योगदान देना चाहिए। ऐसा जो है ना, सेवा के लिए हमेशा तत्पर जो है ना सब निकल करके और सेवा में जुट जाते हैं। ये हमारे देश की परंपरा है, जहां हमारे देश के नौजवानों ने और ये सब कुछ मतभेद भुला करके, चाहे वो धर्म जाति लिंग भेद सब भुला करके आगे आकर के देश पहले, हम बाद में, समाज हमारा बाद में, हमारा देश सबसे पहले, अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए, अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा हमारे देश का नौजवान जो है ना आगे आया है। कुरुक्षेत्र से भरत सबरी की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।